ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक इज मोनोसाइट मैक्रोफेज सीरीज की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है ग्रेनुलोपोएसिस में ही आ जाता है। मोनोब्लास्ट जो है हमारे पास जो है मोनोसाइट्स होते हैं, प्रो मोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है एंड देन मोनोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। तो मोनोब्लास्ट जो है ये स्टेप्स हैं जो हमारे पास, सबसे पहले मोनोब्लास्ट बनेगा, फिर प्रो मोनोसाइट्स बनेगा, फिर मोनोसाइट्स डेवलपमेंट होगी। तो अब मोनोसाइट्स मोनोब्लास्ट एक से डेवलप होते हैं। तो मोनोब्लास्ट क्या है? तो हमारे पास इट इज द लार्जर सेल सिमिलर टू द माइलोब्लास्ट। ये माइलोब्लास्ट की तरह होता है। माइलोब्लास्ट में हमने कहा था कि हमारे पास देखें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म कम है, आपके पास न्यूक्लियस है, आपके पास प्रोमिनेंट होते हैं काफी ज्यादा होते हैं उस टाइम स्टेज पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप मोनोब्लास्ट में देख सकते हो जी कि आपके पास राउंड टू स्लाइटली आइडेंटेड न्यूक्लियस न्यूक्लियाई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइड पे इसके डेंट्स पड़े होते हैं। ठीक है, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई हम ने बात की थी, हाई हमारे पास क्रोमेटिन मल्टी न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है और हमारे पास समटाइम्स सी वैक्यूल्स भी इसमें देखे जा सकते हैं। मगर इस केस में क्योंकि ये ग्रेन्यूलोसाइट में ही है तो हमारे पास इसमें ग्रेन्यूल्स की कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रही होती। प्रोमोनोसाइट्स की अगर बात करें तो ये यंग होता है, इट इज यंग मोनोसाइट जो सेल होता है वो अबाउट 20 माइक्रोमीटर तक होता है। न्यूक्लियस जो है वो लार्ज किडनी शेप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये किडनी शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है। और न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है अरेंज इन लूज नेटवर्क लूजली अरेंज होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक स्ट्रक्चर का होता है और नो एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स एंड दे हैव फाइन ग्रेन्यूल्स विच इज लार्जर देन द मेच्योर मोनोसाइट। ठीक है, दे हैव जो ग्रेन्यूल्स हैं वो थोड़ा सा ग्रेन्यूलोसाइट जो इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि हमारे पास ग्रेन्यूलोसाइट्स होते हैं वो थोड़े लार्जर होते हैं देन द मेच्योर मोनोसाइट। ठीक है, अब प्रो मोनोसाइट अगर हम देखें तो हमारे पास इट इज जो हम मजीद जो है इंडेंटेड न्यूक्लियाई विद मेच्योर क्रोमेटिन, थोड़ा सा मजीद डेंट इसमें पड़ चुका है। ठीक है, और हाई जो है न्यूक्लियर क्रोमेटिन मटेरियल होता है और लेस प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होने शुरू हो जाते हैं और वैक्यूल सम टाइम यहाँ पे भी देखे जा सकते हैं। फाइनली जब मोनोसाइट्स की डेवलपमेंट होती है तो देयर एग्जांपल द मेटमेलोसाइट्स। ठीक है, मेटमेलोसाइट्स को एग्जांपल कर रहे होते हैं, फाइन क्रोमेटिन होता है अंदर और फ्रॉम बोन मैरो मोनोसाइट्स जो है वो माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स द स्प्लीन। स्प्लीन क्या है जी, आपके पास सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक आर्गन है। ठीक है, और इसको तिल्ली भी कहा जाता है उर्दू में। लिम्फाइड टिश्यू जो है जब ये पहुंचता है तो वहां पे ट्रांसफॉर्म सेल्स इन द वेरियस टिश्यूज एंड कॉल्ड द टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम और प्रीवियसली नोन एज रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो हमारे पास एक चीज आपने याद रखनी है कि मोनोसाइट्स की डेवलपमेंट आपके पास बोन मैरो के अंदर हो रही है, जब ये मोनोसाइट्स आपके पास कहां चले जाते हैं जी, आपके टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, आपके किधर चले जाएंगे, टिश्यूज के अंदर। तो वहां पे जाके ये हमारे पास क्या करते हैं, इनिशिएट होता है स्पेसिफिकली इन द स्प्लीन। इनके अंदर जो है इनिशिएशन होती है जो एक प्रोसेस को जिसको हम टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बोलते हैं और वहां पे ये स्वेल अप हो जाते हैं, इनकी फर्दर मैचुरेशन होती है, फर्दर डेवलपमेंट होती है और इनसे हमारे पास मोनोफाइट साइड से किसकी डेवलपमेंट हो जाती है, आपके पास मैक्रोफेजेस की। तो मैक्रोफेजेस आर बेसिकली नॉट इनिशियली प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो बट दे आर इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स से ही डेवलप होंगे। मोनोसाइट्स ही हैं आपके पास नॉर्मली आपके सर्कुलेशन में पाए जा सकते हैं, मगर मैक्रोफेजेस आपके पास सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन में तब आते हैं जब ये हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक इन्फेक्शन काज हुआ हो और इम्यून सिस्टम आपके पास अलर्ट हुआ हो। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास वही चीजें, हीमोसाइटोब्लास्ट जो था उससे माइलाइट सिस्टम स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन होती है, माइलाइट से माइलोमोनोसाइट्स की फॉर्मेशन हो रही है, फिर प्रोमोनोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है और देन मोनोसाइट्स, और फिर जब टिश्यूज में चले जाते हैं तो ये मोनोसाइट्स हमारे पास डेवलप होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स की तरफ आते हैं। लिम्फोसाइट्स में हमारे पास अब जो प्रोसेस था उसको हम पहले हमने ग्रेनुलोपोएसिस कहा था, अब लिम्फोपोएसिस का हमारे पास प्रोसेस है और हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स में हमारे पास दो तरह के सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक बी सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एक टी सेल्स की फॉर्मेशन होगी। और हमारे पास बोन स्टेम सेल्स में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ ग्रुप ऑफ फाइबर्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक प्रोसेसिंग बनते हैं, सेल्स बनते हैं, वो हमारे पास डेवलप होते हैं जी हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स में, और वो बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारे पास एंटीजन जो है हमारे पास को के मौजूदगी में हमारे पास क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं और ह्यूमरल इम्यून सिस्टम का की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। अब क्या है कि दूसरा हमारे पास आ जाते हैं जो कि प्रोसेस होते हैं ये थायमस के अंदर, ये सेल्स जो है हमारे पास बेसिकली अराइज होते हैं आपके पास बोन मैरो से, फिर वो थायमस के अंदर जाते हैं, वहां पे जो हमारे पास जब इनकी प्रोसेसिंग होती है तो ये टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं, और जब जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं तो बेसिकली हमारे पास उसके बाद जब भी हमारे पास इनको एंटीजन्स मिलेंगे तो ये विद कॉपरेट करेंगे विद द बीटा सेल्स और बीटा सेल्स के थ्रू ये हमारे पास एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाएंगे और लिम्फोब्लास्ट और सेल इमीडिएटेड इम्यून सिस्टम्स का में ये इनका रोल होता है। बेसिकली इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो बोन मेरो एंड द थायमस जो है ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी लिम्फो
पोइटिक प्रोसेस को, ठीक है। ऑर्गन्स की अगर अगर ऑर्गन्स देखें हम, तो इसमें हमारे पास लिम्फाइड स्टेम सेल्स जो हैं अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिवीजन इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटीजन स्टिमुलेशन। इनमें हमारे पास कोई भी एंटीजन की जरूरत नहीं होती और इंडिपेंडेंटली ये प्रोसेस और होता है। टिश्यू विच एक्टिवली प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर्स ऑफ द लिम्फाइड फॉलिकल्स आर आल्सो एज अ रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन constitute the so called secondary other reactive lymphoid tissues. अब क्या है कि आपके पास जो ये पूरी स्टेटमेंट का मतलब है वो ये है जी कि the tissues जो कि हमारे जो tissues हमारे पास actively produce कर रहे हैं lymphocytes को, ठीक है, फ्रॉम द जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फाइड फॉलिकल्स, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं जी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन को, ठीक है। और वो एंटीजेनिक स्टिमुलेशन जब होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी आर रिएक्टिव लिम्फो लिम्फाइड टिश्यूज, सेकेंडरी आर जो हमारे पास रिएक्टिव लिम्फाइड टिश्यूज हैं उनके एंटीजेंस को बेसिकली वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। और वो हमारे पास कौन कौन से टिश्यूज हैं, लिम्फेटिक नोड है, आपका स्प्लीन है और आपका गाल्ट है। अच्छा, अब क्या होता है कि हीमोसाइटोब्लास्ट जो है वो लिम्फाइड स्टेम सेल्स की फॉर्मेशन करता है, लिम्फोब्लास्ट की फॉर्मेशन होगी, फिर प्रो लिम्फो लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है, लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है और फाइनली आपके पास प्लाज्मा सेल की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि हमारे पास क्या है, बीटा सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। लिम्फाइड सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लिम्फोब्लास्ट बनता है। इट इज अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल ऑफ द लिम्फाइड सीरीज, इट इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल एंड न्यूक्लियर क्रोमेटिन है जो स्लाइटली क्लम्प्ड है एंड स्ट्रिप्ड है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इसके इसमें हमारे पास डेंस होती है। प्रो लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो ये इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन द लिम्फोब्लास्ट एंड द प्रो लिम्फोसाइट्स। इसका साइज 9-18 माइक्रोमीटर तक होता है, न्यूक्लियस जो है वो राउंड है और स्लाइटली स्लिप क्रोमेटिन्स होते हैं इसमें और हमारे पास कोरसेंट हैज 0.021 न्यूक्लियोलाय, इसमें न्यूक्लियोलाय कम होते हैं और साइटोप्लाज्म जो है वो स्कैनेटी फॉर्म में होता है और नॉन ग्रेन्युलर होता है। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं और मैच्योर होकर ये स्मॉल लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं और लार्ज लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब जो ये स्मॉल लार्ज लिम्फोसाइट्स बने हैं ये अगर हमारे पास जो है थायमस के अंदर चले जाते हैं तो थायमोसिन की वजह से थायमोसिन के थ्रू इसकी मैच्योरेशन की जाती है और ये टी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब ये लिवर में चले जाते हैं तो ये बीटा लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है और लिम्फोसाइट्स जब बोन मैरो में हो तो भी ये हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो से तीन चीजें आपने याद रखनी है जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू टिश्यू हमारे पास जो है इनको नाम भी दिया जाता है। अगर ये थायमस में मौजूद होंगे तो इनको तब टी लिम्फोसाइट्स कहा जाएगा, लिम्फोसाइट्स अगर लिवर में मौजूद होंगे तो इनको बी लिम्फोसाइट्स कहा जाएगा और अगर ये बोन मैरो में होंगे तो तब भी हमारे पास ये बी लिम्फोसाइट्स कहलाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे पास जापानीज साइंटिफिक रिसर्च से हमें पता चली थी कि फुल राइप राइपेंड जो बनाना होता है जो कि हमारे पास नॉर्मली जो है पसंद नहीं किया जाता, जो कि पूरा पका हुआ होता है जिसके ऊपर जो है ब्लैक डॉट्स मौजूद होते हैं, डार्क पैचेस होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास उसकी स्किन जो होती है विद येलो स्किन प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस कॉल्ड द TNF जो कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का मतलब बनता है, इसकी की डेरिवेशन है, ठीक है, विच हैज द एबिलिटी टू कॉम्बैट द एबनॉर्मल सेल्स। तो इसकी जो है हमारे पास क्या है, एबिलिटी है जी कि आपके जितने भी एबनॉर्मल सेल्स हैं आपकी बॉडी में, स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स जो हैं उनको एबनॉर्मल सेल्स हम कहते हैं, तो उनसे ये कम्बैट करने की बड़ी इंपॉर्टेंट एबिलिटी रखता है। द मोर डार्कर पैच इट हैज द हायर द इम्यूनिटी एनहांसेस, जितना ज्यादा इसका डार्कर पैच होगा उतना ज्यादा इसकी हमारे पास इम्यूनिटी एनहांस कर सकता है। हेंस द रैपर द बनाना द बेटर द एंटी कैंसरस क्वालिटी, तो इसलिए जितना ज्यादा अच्छा पका हुआ बनाना होगा उतना ज्यादा वो हमारे पास एंटी कैंसरस एबिलिटी रख रहा होता है और इतना ज्यादा आपके लिए बेटर है कि जो है ज्यादा अच्छा ज्यादा पका हुआ। हमारे यहाँ क्या है कि जो थोड़ा सा देखते हैं जी थोड़ा सा बनाना जो है वो पक गया ज्यादा तो उसको ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, हालांकि वो हमारे पास एंटी कैंसरस एजेंट्स कंटेन किया होता है और उनको वो खाना जो है हमारे पास जो है वो बहुत ही हमारे पास हेल्थ बेनिफिशियल होता है। अब येलो स्किन बनाना विद अ डार्क स्पॉट ऑन इट्स हैज 8x मोर टाइम्स 8 टाइम्स मोर इफेक्टिव एनहांसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स देन अ ग्रीन स्किन वर्जन। थे अगर आप इस तरह का बनाना खाते हो जिसकी जो है बहुत ज्यादा डार्क पैचेस हैं तो वो हमारे पास 8 गुना ज्यादा आपके जो है हमारे पास एनहांस करता है व्हाइट ब्लड सेल्स की एबिलिटी को देन अ ग्रीन बनाना। और इसी वजह से कहा जाता है जी आपके पास जो है इसके अंदर विटामिन सी भी काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है और अगर आप एक बनाना डेली का खाते हो तो इट इज हाईली बेनिफिशियल इन इंक्रीजिंग यूर इम्यूनिटी। रेगुलेशन अगर हम बात करते हैं लिकोपोइसिस, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ लिया, लिकोपोइसिस पढ़ लिया, ग्रैनुलोपोइसिस पढ़ लिया, तो लिकोपोइसिस की अगर रेगुलेशन की बात करें तो इट इज द मैकेनिज्म टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द लिकोसाइट्स ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी। जब भी होती है आपको तो हमारे पास एंड इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए, आपको इन्फ्लेमेशन क्या है, जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा होता है या फिर बैक्टीरियल टॉक्सिन्स आपके पास मौजूद हो तो आपके पास इट कॉजेस द ग्रेट इंक्रीज इन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द लिकोसाइट्स। तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है लिकोसाइट्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दिस सब्सटेंसेस दैट स्टिमुलेट एंड इनहिबिट द प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स
अगर हम देखें तो ग्रेनुलोपिनिया आर डेड ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जो हैं, जब भी इनकी डेथ होती है मीन किस फाइट के दौरान कोई इन्फ्लेमेशन होगी, कोई इंजरी होगी है, तो उस प्रोसेस में डेथ के दौरान से पहले वो क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, GCSF प्रोड्यूस करते हैं, MCSF प्रोड्यूस करते हैं, GMCSF प्रोड्यूस करते हैं और इंटरलीक्यून्स। अब आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था जी स्टैंड फॉर जो हमारे पास जो है ग्रेनुलोसाइट्स जो है न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन कर रहा है, एम जो है हमारे पास जो है वो मोनोसाइट्स के लिए होता है, जी एम जो है हमारे पास वो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेनुलोसाइट्स के लिए होगा और इंटरलीक्यून की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इंटरलीक्यूएंस हमारे पास फर्दर वाइट ब्लड सेल को भी हमारे पास एक्टिवेट करने का काम करते हैं। अब ये सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये स्टिमुलेट करते हैं आपके बोन मैरो को, और बोन मैरो क्या करती है इन रिटर्न जो है हमारे पास प्रोडक्शन करती है आपके पास ग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस की। जब ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस की फॉर्मेशन होती है तो वो हमारे पास जो है जाके नॉर्मल प्रोसेस को इनहिबिट भी कर रहे होते हैं और हमारे पास जो है इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व भी प्रोसेस में भी हेल्प कर रहे होते हैं। अब रोल क्या है जी यहां पे साइटोकाइंस का, इंटरलीकिन जो है वो एज अ साइटोकाइन उसने वर्क किया है। तो साइटोकाइन जो है हमारे पास कंट्रोल करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स एंड कॉल्ड द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF जिसको हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी जो हमारे पास ड्यूरिंग द लीकोपोएसिस। ठीक है, हमारे पास साइटोकाइंस जो हैं वो हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स को की डिफरेंट टाइप्स बनाने में और उसको जो हमारे पास स्पेसिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं, और ये हमारे पास इनको क्या कहा जाता है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर CSF। CSF इज अ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड बाय द टी एंड बी लिम्फोसाइट। इसको बनाते कौन है जी आपके पास स्पेसिफिकली बी एंड टी लिम्फोसाइट। Also form GCSF, MCSF and GMCSF. GCSF की अगर हम बात करें जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा तो स्टिमुलेट ग्रेनुलोसाइट प्रोसेस प्रीकर्सर्स, और MCSF होगा तो मोनोसाइट प्रीकर्सर्स की फॉर्मेशन होगी, GMCSF होगा ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट प्रीकर्सर दोनों की फॉर्मेशन करेंगे ये, कि जिस टाइम में आपके पास मीन अब हमारी बॉडी को दोनों की जरूरत है। द साइटोकाइंस दे कंट्रोल द लिम्फोसाइट फॉर्मेशन आर कॉल्ड इंटरल्यूकिन फॉर एग्जांपल IL-1 IL-3 एटसेट्रा। जैसे मैंने आपको पीछे देखा बताया था स्लाइड में कि इंटरल्यूकिन की फॉर्मेशन होती है, तो इंटरल्यूकिन जो है बेसिकली जो है उनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, और साइटोकाइंस जो कि हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं उनको हम इंटरल्यूकिन कहते हैं, और इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 2 भी कहा जाता है। इंटरल्यूकिन्स आर फॉर्म्ड बाय इनको बनाता कौन है मोनोसाइट्स बनाते हैं, मैक्रोफेजेस बनाते हैं और एंडोथेलियल सेल्स बना रहे होते हैं। अब क्या है रोल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन प्रोस्टाग्लैंडिन को हमारे पास जो है कौन प्रोड्यूस कर रहा है जी आपके पास दो चीजें प्रोड्यूस कर रही है, एक मोनोसाइट्स है और दूसरा लैक्टोफेरिन है, एंड ऑल्सो अदर एजेंट्स प्ले रोल इन द रेगुलेशन, इस पूरे प्रोसेस की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ लीकोसाइट्स तो वो बहुत ही डिफरेंट होती है फ्रॉम द नॉर्मल सेल। दे हैव द एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड एक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे NADPH पाथवे जो कि हमारे पर डिपेंडेंट पाथवे होता है, एंड ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीजन कंजम्पशन। जब आपके पास ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हमारे पास देयर इज अ रेस्पिरेटरी ब्रस्ट हो सकता है, एंड सुपर ऑक्साइड जो है रेडिकल्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेसिकली किसको किल करने में हेल्पफुल होते हैं आपके बैक्टीरिया को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, उसकी फॉर्मेशन आपके पास की जाती है। कि मतलब ये हुआ कि जब फेगोसाइटोसिस होगा बैक्टीरिया का तो आपके पास जो है आपके लीकोसाइट जो है इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन करना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह ये कि वो हमारे पास सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिसके थ्रू वो बैक्टीरिया को बेसिकली किल कर रहे होते हैं। फेगोसाइटिक लीकोसाइट्स अगर हम देखें यूज NADPH एज अ सबस्ट्रेट फॉर द NADPH एंड ऑक्सीडाइज एंजाइम्स व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू द किलिंग ऑफ द इंजेस्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और हमारे पास क्या करते हैं उन एंजाइम्स को कि ऑक्सीडेज एंजाइम्स के लिए हमारे पास सब्सट्रेट बनाने के लिए सब्सट्रेट का काम यूज करते हैं बेसिकली। तो NADPH जो होता है बेसिकली वो हमारे पास जो है विद द कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन वो हमारे पास NADPH ऑक्सीडेज की फॉर्मेशन करते हैं NADPH, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है आपके पास अदर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। दिस इज एनी मेटाबोलाइट जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगी। अब ये हमारे पास क्या है दो प्रोटॉन्स जो होते हैं फिर वो उनको दो ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और उससे हमारे पास एसिड जो हमारे पास था फॉस्फेटेज था वो हमारे पास जो है H2O2 की फॉर्मेशन करता है, और H2O2 जो हमारे पास किल करने का काम करती है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इस हमारे पास रिएक्शन को थोड़ा इन डिटेल समझते हैं। होता ये है बेसिकली कि आपके पास इस NADPH को हमारे पास बेसिकली स्प्लिट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, और जब वो प्रोटॉन की और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमारे पास ये पूरा प्रोसेस कौन करवा रहा है आपके पास NADPH ऑक्सीडेज करवा रहा है। ठीक है, और आपके पास जब NADPH ऑक्सीडेज ये प्रोसेस करवाता है तो आपके पास मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन होती है, और आपके पास ये स्पीशी जो है हमारे पास जो प्रोटॉन एक्सेप्टेंस का काम करती है उसको उसी भी फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है कि लेटर ऑन दो प्रोटॉन को हमारे पास फिर इस मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के साथ हमारे पास क्या किया जाता है हमारे पास कंबाइन किया जाता है, और एज अ रिजल्ट आपके पास प्रोडक्शन की जाती है आपके
हाइड्रोजन परऑक्साइड की बाय द परऑक्सीडेजेस एंजाइम, और हमारे पास जो है एज अ रिजल्ट जो है आपके पास उस परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज किया जाता है टू किल द माइक्रोब्स. एक्टिव लिकोसाइट रिलीज कर देते हैं आपके पास ऑक्सीजन आयंस को एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड को टू द सराउंडिंग टिश्यूज इन द एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो जहां भी इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके लिकोसाइट्स जाके वहां पे लिकोसाइट्स कौन से हैं आपके पास, आपके जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारे पास जाके आपके व्हाइट ऑक्सीजन को भी और हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसको इन्फ्लेमेशन साइट पर रिलीज कर देंगे. और सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज कैटालेज एंड ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज आर द नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन आयंस एंड द H2O2. अब क्या है कि हमारे पास क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेमेशन एरिया में ये रिलीज किया है तो हमारी जो नॉर्मल बॉडी होती है नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं उनके पास स्पेसिफिक एंजाइम से कौन कौन से हैं, एक है सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, दूसरा कैटालेज और तीसरा आपके पास ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज. तो हमारी अपनी बॉडी के सेल्स जो हैं इस इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन आयंस एंड द परऑक्साइड जो है हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके इफेक्ट से बच जाते हैं, जबकि अगर जितने भी बैक्टीरिया वहां पे इन्फ्लेमेशन साइट पे मौजूद हैं उनकी हमारे पास क्या हो जाती है, बेसिकली किलिंग हो जाती है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड थर्ड लेक्चर ऑफ द वाइट